अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। दोस्तों कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अगेन से हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक और छोटी सी वीडियो के साथ, और एक टेक्निकल सी वीडियो है। टेक्निकल क्या है, ये वीडियो अपवर्क के रिलेटेड है। काफ़ी दिनों के बाद इसके रिलेटेड भी बना रहा हूँ वीडियो। ये वीडियो बनाने की वजह कि अपवर्क जो है वो सबको नोटिफिकेशन दे रहा है कि अपना जो टैक्स इन्फो है उसको जो है अपडेट करें। पहले इन्होंने एक W-8 पेन नाम का जो टैक्स था, एक इनकी शिक होती है, वो सबसे ऐड करवाई थी। बल्कि जब भी कोई अकाउंट बनाता था वेरीफाई करने से पहले उसको वो ऐड करना पड़ता था कि आई एम नॉट ए US रेजिडेंट, तो भाई मैं USA का बंदा नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मतलब कि हम वहाँ पे इनकम टैक्स देने के जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे की बात करनी होती। अगर कोई USA का रेजिडेंस होता था तो उसको वहाँ देना पड़ता था अपवर्क के ऊपर, लेकिन हमें वो जो देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम बाहर से थे। हम वहाँ उनको बताते थे कि हम USA के रेजिडेंस नहीं है, वहाँ के सिटीज़न नहीं है, हम आउट ऑफ द USA रहते हैं, किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे काम करके सर्विसेज दे के अपने अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर यार चैनल पे नया हो तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन जो आपको है मेरे चैनल से तो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, और इसका जो अभी तीन पोर्शन उन्होंने बना दिए, पहले एक ही होता था, अभी तीन है। इसमें मैं तीनों के तीनों जो हैं अपना टैक्स नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है पाकिस्तान का वो देना पड़ेगा। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, किसी और मुल्क से हो, आपको वहाँ की अपनी जो सारी डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेंगी, और हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की देनी पड़ेगी। सो वो आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं किस तरह से आपने अपने जो टैक्स इन्फो है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो है वो डालनी है, पर को प्रोवाइड करनी है सारी सारी डिटेल्स, ताकि आपको आगे कोई पेमेंट के अंदर कोई इशू ना आए, कहीं पेमेंट जो है वो आपकी रुके ना, अब पर कोई इशू ना करे, वो आपको कंप्लीट आपकी वेरिफिकेशन हुई हुई हो और वो आपको आपकी पेमेंट जैसे ही टाइम हो वो आपकी पेमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेके चलते हैं आपको ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर कम्प्लीट जो है वो ऐड करनी है। चलें ज़रा फिर स्क्रीन पर चलते हैं। जी हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे अपने फिर से, और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि अपवर्क ने दोबारा से जो है वो टैक्स की डिटेल्स, टैक्स इन्फॉर्मेशन मांग ली हुई है। तो इसमें तरीक़ेकार क्या है, एक तो सबसे पहले आपको ये मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सबको मैसेज आ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो शो हो रहा है, ये तकरीबन अपवर्क के सबके पास जिनके पास अकाउंट है अपवर्क का उनको ये दे रहे हैं कि टू फॉलो US टैक्स लॉज प्लीज़ कम्प्लीट अ न्यू W-8BEN और W-8BNE फॉरन स्टेटस सर्टिफिकेशन, प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब ये टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड किस तरह से करनी है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जब प्लीज़ क्लिक हेयर, यहाँ लिखा हुआ हेयर को आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक दफ़ा दोबारा पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद आपने इसको ऐड कर देना है, पासवर्ड जब डालना है तो ये चीज़ खुल जाएगी, टैक्स इन्फॉर्मेशन। इधर ये आपके प्रोफाइल की सेटिंग में आके बिलिंग, नीचे यूज़र सेटिंग के अंदर मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, कॉन्टैक्ट इन्फो एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। सो जब टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे तो यहाँ ये दो टैब्स खुल जाएंगे, पहला टैक्स रेजिडेंस, W-8 PAN, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये सब का पहले तो कम्प्लीट हुआ हुआ था, ये वाला W-8 PAN वाला जो है, टैक्स रेजिडेंस जो है ये कम्प्लीट पे नहीं, इनकम्प्लीट आ रहा होगा। अभी मैं तो ये कम्प्लीट करके बैठा हूँ, लेकिन इसको एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ ये मांगते हैं। ठीक है, इन्होंने सिंपल हमसे क्या मांगना है, कंट्री कौन सी है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल, एंड सिटी एंड पोस्टल कोड। ठीक है, तो मैंने उनको अपना ये एड्रेस जो है अपना वो डाल दिया एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद जब मैंने इसको सेव करना है, सेव करने के बाद ये इन्होंने मुझे यहाँ कह दिया टैक्स रेजिडेंस कम्प्लीटेड। फिर इसका आपका पहले कम्प्लीटेड शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आने लग जाएगा कि ये कम्प्लीट नहीं है, सो इसको आप कम्प्लीट करो। ठीक है, तो इसको कम्प्लीट करने के लिए मैंने अपडेट पर क्लिक किया, लेकिन आप इसको कम्प्लीट पर दबाएंगे ये सारा इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, टू कलेक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन इंडिकेट इफ़ यू आर अ US पर्सन और अ नॉन US पर्सन। सो जाहिर सी बात है हम US पर्सन नहीं, हम बाहर से काम कर रहे हैं, सो आई एम नॉट अ US पर्सन पर क्लिक कर दिया। बिफोर विदड्राइंग फंड्स ऑल नॉन US पर्सन मस्ट प्रोवाइड देयर W-8 PAN टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब लीगल नेम ऑफ टैक्स पेयर क्या है, ये आ गया अजीमुल्ला, मैंने अपना नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट नेम है। फेडरल टैक्स क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल, ठीक है, मेरा अगर आप खोलेंगे ये भी क्लिक हुआ होगा, यहाँ आपका नाम भी दिया होगा अगर आपने पहले ये टैक्स इन्फॉर्मेशन क्लियर की हुई है, जो अकेली यही होती थी कि मैं US पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इंडिविजुअल डालना है, अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, अगर कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप है, अदर इंटाइटी टाइप और क्लेमिंग ट्रीटी बेनिफिट्स,
लेकिन मोस्टली फ्रीलांसर्स जो हैं मोस्टली आई थिंक 95% वो इंडिविजुअल्स ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल के बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, सो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। नेक्स्ट चीज़ आपसे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप मांगेंगे, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री दे देनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ। अगर आप बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस सिटीजनशिप, यहाँ की आपका सिटीजनशिप है, वो दे के इसको करेंगे सेव, ठीक है। ये हो जाएगा सेव। अब थर्ड चीज़ जो ये मांगते हैं, जो असल चीज़ आ जाती है, अब ये क्या मांग रहे हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN लिखा हुआ इस तरह से बन रहा है। वैसे ये आप इसको ना जो NTN नंबर हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो टैक्स पेयर नंबर होता है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन अब उसकी जगह पे हमारा जो CNIC है, यही वही टैक्स पेयर नंबर है कि हमारे CNI के साथ अटैच होता है, और हम जो है वो दे के अपना डाटा जो है यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं अपना दूंगा CNIC देने के बाद नीचे आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ। टैक्स सर्टिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ अनचेंज स्टेटस, प्लीज़ रीड एंड स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द W8 बैन सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंडर पेनल्टीज ऑफ पर्जरी आई डिक्लेयर दैट आई हैव एग्जामिन्ड द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस फॉर्म एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इट इज़ ट्रू करेक्ट एंड कम्प्लीट आई फर्दर सर्टिफाई अंडर पेनल्टीज ऑफ पर्जरी दैट I am the individual that is the beneficial owner or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes, ठीक है। तो ये हमारी बात, हम ये इनको verify कर रहे हैं कि जी हम जो बंदा ये भर रहा है, मतलब मैं अब कर रहा हूँ, तो मैं अपना authorize कर रहा हूँ कि इसका beneficially owner मैं हूँ, इससे जो account से पैसा आता है फ्रीलांसिंग करके सर्विसेज दे के, जो पैसा मैं कमा रहा हूँ वो उसका मालिक मैं ही हूँ, ठीक है ना, मैं ओनर हूँ। द पर्सन नेम्ड ऑन लाइन वन ऑफ दिस फॉर्म इज नॉट अ US पर्सन, कि मैं US पर्सन नहीं हूँ, ठीक हो गया। दिस फॉर्म रिलेट्स टू इनकम नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ अ ट्रेड और बिजनेस इन द US स्टेट्स, किसी बिजनेस और ट्रेड के साथ मेरा कोई US स्टेट के अंदर इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इनकम इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ अ ट्रेड और बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर एन एप्लीकेबल इनकम टैक्स ट्रीटी। इनकम टैक्स ट्रीटी के अंदर मैं नहीं आता, ठीक है, टैक्स जो उनका कानून है, लॉ है, उसके अंदर नहीं आता, ठीक है। इनकम टैक्स मैं वहाँ पे नहीं कर सकता, मेरा ऐसा कोई लॉ के मुताबिक ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। द पार्टनर्स शेयरिंग ऑफ अ पार्टनरशिप इफेक्टिवली कनेक्टेड टैक्सेबल इनकम और द पार्टनर्स अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनरशिप इंस्टेड सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग अंडर सेक्शन 1446F। अब ये उनकी को सेक्शन है जिसके जरिए वो यही बातें बता रहे हैं कि इसका हम टैक्स वहाँ हम पे नहीं करेंगे, इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। द पर्सन नेम्ड लाइन वन ए वन ऑफ दिस फॉर्म इज अ रेजिडेंट ऑफ द ट्रीटी कंट्री लिस्टेड ऑन लाइन नाइन ऑफ द फॉर्म If any within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country and for broker transaction or etc. Mean निचोड़ ये है कि जी लाइन नंबर नाइन जो ये है पाकिस्तान का, ये बंदा है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यहाँ पर इनकम टैक्स देने का पाबंद हूँ, वहाँ पर नहीं, ठीक है। अब सिग्नेचर फुल टाइप योर फुल नेम, मैं अपना नेम पूरा दे देता हूँ। आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाइड ऑन लाइन वन ऑफ दिस फॉर्म एंड आई कंसेंट टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाई टाइपिंग माई सिग्नेचर अबव, ठीक है। एफिडेविट ऑफ अनचेंज स्टेटस, यहाँ पे भी अपना नेम दे के, यानी कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट किस्म का साइन कर रहे हैं इनके साथ, इनको बता रहे हैं कि जनवरी 2002 कैलेंडर ईयर द डेट ऑन दिस फॉर्म एंड वर ट्रू करेक्ट एंड कम्प्लीट फॉर दिस ईयर, यानी कि हमने इनको वेरीफाई कर दिया कि हम US जो पर्सन है वो नहीं है, हमारे पास वहाँ की रेजिडेंसी नहीं है, हम पाकिस्तान के रेजिडेंस हैं और आउट ऑफ US रह के अपना काम कर रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं और हम USA के अंदर इनकम टैक्स देने के पाबंद नहीं हैं, ठीक है। ये करने के बाद इसको भी आप सेव कर दें। तीन ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वन टैक्स रेजिडेंस, यहाँ आपने अपना एड्रेस देना प्रॉपर, ठीक है, कोशिश करें आईडी कार्ड वाला एड्रेस दें जो आपका आईडी कार्ड रजिस्टर्ड है जिस पे, ठीक है। सेकंड वाला ये दे के, नेम इंडिविजुअल पाकिस्तान डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। थर्ड वन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका CNIC नंबर, आपका सिग्नेचर मींस आपका पूरा नेम जो जेन्युइन रियल नेम है वो वाला नेम, ये दे दिया और ये कम्प्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करके देखता हूँ, आई थिंक ये चला जाएगा ऊपर से, तो आई थिंक दैट नोटिफिकेशन इज़ गॉन, ओके।
सो तीनों चीज़ें कंप्लीट होगी टैक्स इन्फॉर्मेशन की, ये लाजमी सब लोग कर लीजिए, ठीक है। ये अपडेट इन्होंने दिया, सबको मैसेज दिया है इन्होंने, सबको नोटिफिकेशन दे रहे हैं अपवर्क वाले, तो जल्दी से जल्दी इसको जो वो हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है जी। उम्मीद है वीडियो थोड़ी सी कारामद होगी फ्रीलांसर्स के लिए जो अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।